माय चैनल ट्रेन योर ब्रेन। आज जैसे कि बेटा हम आगाज करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो इसका सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। क्या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज के कैथोड रेज कैसे डिस्कवर हुए, किसने डिस्कवर किए, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ, या हम इस बारे में पढ़ेंगे, तो इसलिए थोड़ा यहाँ ध्यान दें। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, जो विलियम क्रूक साइंटिस्ट था उसने कैथोड रेज डिस्कवर किए बाय यूजिंग द डिस्चार्ज ट्यूब। क्या उसने यूज किया, डिस्चार्ज ट्यूब। भाई ये जो डिस्चार्ज ट्यूब था, ये जो बनाया था वो एक इंजीनियर ने बनाया था जिसका नाम था हेनरिच गीसलर। क्या नाम था बेटा, हेनरिच गीसलर, जो एक इंजीनियर था इंस्ट्रूमेंट मेकर, उसने बनाया था। विलियम क्रूक्स ने इसको इस्तेमाल किया और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इसने कैथोड रेज को क्या करना चाहा, डिस्कवर करना चाहा, जिनसे बाद में हमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल सकती है। ठीक है, तो इसमें गैस जो है वो फिल हुई थी उसने, उसके बाद कैथोड एनोड जो हमारे, हम इसके कह सकते हैं कि ये जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं कैथोड और एनोड, आप ज़्यादा इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाके पढ़ेंगे, ये कनेक्ट किए। ठीक है, ये मेटालिक रॉड्स होती है, मैं आपको सिंपली बता दूं। ओके, तो फिर इसने क्या किया, प्रेशर जो है इसको हम लो प्रेशर एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लो प्रेशर एक्सपेरिमेंट, लो प्रेशर एक्सपेरिमेंट भी हम इसको कह सकते हैं बेटा। तो इसलिए आज हम आए कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं रिजल्ट। विलियम क्रूक्स ने जब नॉर्मल प्रेशर जो होता है 1 atm और 760 torr, इस प्रेशर पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो नो कंप्लियन, कुछ भी नहीं हो रहा था इस डिस्चार्ज के अंदर, ना कुछ नहीं हो रहा था। इट मीन्स के कोई भी एक्सपेरिमेंट की रिजल्ट हमें नहीं मिल पा रही थी। पर जब उसने प्रेशर डिक्रीज किया, कितना प्रेशर डिक्रीज किया, फ्यू सेंटीमीटर ऑफ एचजी, कितना हुआ, फ्यू सेंटीमीटर ऑफ एचजी। इट मीन्स के प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया, प्रेशर जो है ना वो डिक्रीज हो गया। तो क्या हुआ, स्पार्किंग प्रोड्यूस, नो कंप्लियन, कुछ भी नहीं हो रहा था इस डिस्चार्ज के अंदर, ना कुछ नहीं हो रहा था। इट मीन्स के कोई भी एक्सपेरिमेंट की रिजल्ट हमें नहीं मिल पा रही थी। पर जब उसने प्रेशर डिक्रीज किया, कितना प्रेशर डिक्रीज किया, फ्यू सेंटीमीटर ऑफ एचजी, कितना हुआ, फ्यू सेंटीमीटर ऑफ एचजी। इट मीन्स के प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया, प्रेशर जो है ना वो डिक्रीज हो गया। तो क्या हुआ, स्पार्किंग प्रोड्यूस, क्या स्पार्किंग प्रोड्यूस्ड, एक कैथोड पे स्पार्किंग प्रोड्यूस हुई। ये कैथोड है ना, ये ग्लो करने लगा, क्या ग्लो करने लगा लाइट से। उसके बाद और प्रेशर विलियम क्रूक्स ने जो था ना वो डिक्रीज किया, फ्यू एमएम ऑफ एचजी। आप जानते हैं कि एमएम ऑफ एचजी और स्मॉल यूनिट है प्रेशर का, इसलिए फ्यू एमएम ऑफ एचजी पे क्या हुआ, बोथ इलेक्ट्रोड्स ग्लो। इट मींस के अब जो है ना वो स्पार्किंग प्रोड्यूस हुई एनोड पे भी। विलियम क्रूक्स ने कहा कि ये क्यों हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज कराने से जो गैस है उसके मॉलिक्यूल्स जो है ना, तो वो कंप्रेस होते जा रहे थे, और क्या है जो उनसे रेज निकलते हैं, और वो रेज जो हैं वो निगेटिव टू पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन में सफ़र कर रहे हैं, पर अभी तक वो रेज हमको नहीं मिले एग्जैक्टली। तो इसने एक्यूरेट प्रेशर 0.001 mm ऑफ एचजी किया, और आपको ये जो प्रेशर है ना वो याद करना, ये एंट्री टेस्ट में बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि कितना प्रेशर था। इसको हम कहते हैं वेरी लो प्रेशर, जिसकी वजह से हम इस एक्सपेरिमेंट को नाम देते हैं वेरी लो प्रेशर एक्सपेरिमेंट। तो क्या हुआ, होल ग्लास ट्यूब ग्लो विद ब्रिलियंट लाइट, ब्रिलियंट ब्लूइश लाइट से पूरा ग्लास ट्यूब है जो
वो गिलो होने लगा। और विलियम ग्रूक्स ने इसके बाद हमें ये बताया एक्सपेरिमेंट का जो पूरा कंक्लूजन ये कि कुछ रेज हैं जो नेगेटिव चार्जेस रखते हैं, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जब सफर कर रहे हैं लो प्रेशर की वजह से पैदा हो रहे हैं और स्ट्रेट लाइन में सफर कर रहे हैं। और इनको नाम दिया गया कौन से रेज बाबा? कैथोड रेज। इनको क्या नाम दिया गया? कैथोड रेज। और इस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं लो प्रेशर एक्सपेरिमेंट। तो आइए हम कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उस पर आ जाएं कि कैथोड रेज क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है ई अपान एम रेशो की। इसकी चार्ज निगेटिव होती है, इसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। और इसकी जो अब हम आए ई अपान एम रेशो, और ई अपान एम रेशो होता है ना कैथोड रेज का, ई अपान एम रेशो ऑफ कैथोड रेज इज कांस्टेंट। ई अपान एम रेशो कैथोड रेज का क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जो डिस्कवर किसने किया? जे जे थॉम्सन ने, ठीक है। ई अपान एम रेशो डिस्कवर किया जे जे थॉम्सन ने, ठीक है। ई अपान एम होता क्या है? ई अपान एम होता है चार्ज, उसको डिवाइड करें आप किससे? मास से। किसकी चार्ज? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितनी होती है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स, ओके। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है 9.109 × 10⁻³¹ kg। इनको आप डिवाइड करेंगे तो जो ई अपान एम रेशो आपको कैथोड रेज का मिलेगा ना, वो मिलेगा 1.758 × 10⁻¹¹ कूलम पर केजी। दिस इज कॉल्ड द ई अपान एम रेशो ऑफ कैथोड रेज। हम इसको बोलते हैं क्या? ई अपान एम रेशो ऑफ कैथोड रेज। और इनका ई अपान एम रेशो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आई बात समझ में? इनका ई अपान एम रेशो कांस्टेंट होता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मेन प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, जिनको हम बोलते हैं ई अपान एम रेशो। इनका कांस्टेंट होता है जो सर जे जे थॉम्सन ने डिस्कवर किया। आई बात समझ में? उसके बाद मैं आपको एक लास्ट बात बताऊं जो हमारी इम्पोर्टेंट बात है, वो ये कि कभी हमसे सवाल आ जाता है, एमसीक्यू आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, कैथोड रे, या उसको नाम किसने दिया। तो ये मैं आपको कुछ बताऊं, भाई जो कैथोड रे डिस्कवर किया था ना, कैथोड रेज डिस्कवर किए, मैंने पहले भी आपको बताया, वो किए विलियम क्रूक्स ने। किसने? विलियम क्रूक्स। और जो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था ना, वो जे जे थॉम्सन ने। किसने? जे जे थॉम्सन का नाम लिखना है आपको और वो ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। उसके बाद जो ई अपान एम रेशो इलेक्ट्रॉन का बताया वो किसने? वो भी जे जे थॉम्सन ने। अच्छा, ठीक है। तो अब लास्ट बात जो है, इलेक्ट्रॉन को नेम किसने दिया? इलेक्ट्रॉन को जो नेम दिया गया वो स्टोनी ने। आई बात समझे? तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे से। इंशाल्लाह फिर हम दूसरे लेक्चर में आएंगे, उससे आगे जो टॉपिक होगा हमारा। थैंक यू अल्लाह।